माई सेल्फ हेसी पांडे एज पीजीटी बायोलॉजी फ्रॉम टैगोर पब्लिक स्कूल सूरजगढ़। एज आई हैव डिलीवर डिफरेंट लेक्चर इन द क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर 5। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मशीनरी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन इन ब्रीफ इन द प्रीवियस लेक्चर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मशीनरी ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन द डीएनए रिप्लिकेशन। एज इन केस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन वन डीएनए सिंथेसाइज टू डीएनए बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स। हियर डीएनए रिप्लिकेशन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आई मीन टू से इन द बैक्टीरियम सेल इज डीपर देन द डीएनए रिप्लिकेशन इन द यूकैरियोटिक सेल लाइक द ह्यूमन सेल। इन द प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए रिप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टोल्ड बाय द केर्न इन 1953। एज केर्न इन 1953 टोल्ड फॉर द डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। हियर केर्न इन 1953 टोल्ड डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। एज प्रोकैरियोटिक सेल जनरली सर्कुलर फॉर्म डीएनए इज फाउंड। हियर इन द सर्कुलर फॉर्म डीएनए इन केस ऑफ ई कोलाई इट इज ई कोलाई डीएनए विच इज सर्कुलर फॉर्म एंड सर्कुलर फॉर्म डीएनए। ई कोलाई ए टाइप ऑफ बैक्टीरियम वेयर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंट हियर दिस इज कॉल्ड ए रिप्लिकॉन एंड दिस इज द सर्कुलर डीएनए ऑफ द ई कोलाई। एज रिप्लिकॉन इज वन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरियम सेल। एज वन रिप्लिकॉन मीन्स वन पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट। एज एनदर स्टेप दिस पॉइंट नाउ द डीएनए रिप्लिकेशन हैज शोन हियर लाइक दिस। दिस इज पॉइंट फर्स्ट देन नेक्स्ट वन दिस इज द पॉइंट सेकेंड एंड इन थर्ड स्टेप एज दिस इज पॉइंट फर्स्ट दिस इज पॉइंट सेकेंड एंड नेक्स्ट वन पॉइंट थर्ड। सो द डीएनए रिप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स ई कोलाई डिस्ट्रिचिया कोलाई हैज शोन एज बिलो वेयर द वन रिप्लिकॉन मीन्स वन पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन इज प्रेजेंट। एज द फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन देन रिप्लिकेशन स्टार्ट लाइक this manner as this side and this side. So the two sides replication as shown in the E. coli DNA which is circular DNA. In case of eukaryotic cell DNA is linear form double-stranded. In case of eukaryotic cell
सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टोल्ड बाय द मिशेलसन एंड स्टॉल इन 1958 एज प्रोकैरियोटिक सेल इन केस ऑफ ई कोलाई सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट एंड द वन रिप्लिकॉन प्रेजेंट ओनली वन रिप्लिकॉन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एट मेनी पॉइंट्स द रिप्लिका फॉर्मेशन अकर बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन द टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डीएनए हेलिक्स एज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल लीनियर डीएनए इज फाउंड एंड दिस लीनियर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड टाई एज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल हियर इफ रिप्लिकेशन हैज शोन देन दिस इज लाइक दिस सपोज दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए व्हिच हैज हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल कंटिन्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेसेस सपोज हियर एडिनिन हियर थायमिन साइटोसिन नेक्स्ट साइड गुआनिन एज थायमिन एडिनिन आर गुआनिन देन साइटोसिन एज वन स्टैंड इज 5' देन नेक्स्ट स्टैंड इज 3' टर्मिनल सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए दिस इज द डबल हेलिकल डीएनए मीन्स डबल हेलिकल डीएनए व्हिच हैज टू पॉलीपेप्टाइड चेन बॉन्डेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस दीज आर एज द एडिनिन इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस बेस नाइट्रोजिनस बेस एडिनिन कंबाइंड विथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ द थायमिन इट इज नाइट्रोजिनस बेस सो नाइट्रोजिनस बेस which combined by the hydrogen bond which present between two polypeptide chain in the DNA as one enzyme first of all used which breaks the hydrogen bond this enzyme is called helicase one enzyme which attach at a point in the डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए व्हिच इज कॉल्ड ए हेलिकेज एंजाइम दिस एंजाइम इज कॉल्ड ए हेलिकेज दिस हेलिकेज एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए now become single-stranded as this structure become single-stranded here one end is 5' and the end is 3' this end is 3' next end is 5' helicase enzyme first attached at the double helical stranded of DNA in the eukaryotic cell at the point where hydrogen bond has broken. At the such coiling form, double helical DNA shows a type of strain. If the helicase enzyme attach, such type of coil may again become. So, one more enzyme attached above the helicase which is called as
टोपो आइसोमरेज दिस एंजाइम इज कॉल्ड टोपो आइसोमरेज दिस टोपो आइसोमरेज टोपो आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट एबव द हेलिकेज एंजाइम बट द सिंगल स्ट्रैंडेड विच डीएनए दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड विच जनरली सेपरेट बाय द डबल हेलिकल डीएनए दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड विच मे बी क्वाइल्ड अगेन सो दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड बाइंडेड बाय द सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन दिस सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन नोन एज द एस एस बी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन एज एस एस बी प्रोटीन मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन विच बाइंड सिंगल स्ट्रैंड आर टेम्परेट स्ट्रैंड सो टेम्परेट स्ट्रैंड नाउ सेपरेट्स एज रिप्लिकेशन स्टार्ट बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम यूज इन द एज 3-5 वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ 5-3 स्मॉल सीगमेंट फॉर्मेशन टेक प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्मॉल सीगमेंट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विच इज कॉल्ड ए प्राइमर सो दिस स्मॉल सीगमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 5-3 which is formed as by the enzyme RNA polymerase. RNA polymerase enzyme also called as primer. Small segment of the DNA first of all has a photocopy by the RNA polymerase. This segment is mostly about 100 to 200 nucleotide only. Means only 100 to 200 nucleotide small segment formed by the help of RNA polymerase enzyme, which is also called as primer. Here the other part now synthesized in the continue way. In the continue way, other segment synthesized by the help of DNA polymerase first. DNA polymerase first involved to synthesize other part of the nucleotide which is continue. This is due to the DNA polymerase first, which is also called as Kornberg enzyme. It is also called as Kornberg enzyme. This Kornberg enzyme, which is generally called as DNA polymerase first, on the honor of discoverer, because DNA polymerase first which discovered by the Kornberg, which synthesized the nucleotide on the basis of the template. Suppose here template adenine present, then thymine synthesized. If the cytosine present, guanine synthesized.
एक थायमिन प्रेजेंट एडेनिन सिंथेसाइज, एक गुआनिन प्रेजेंट साइटोसिन सिंथेसाइज। सो द टेम्परेट स्टैंड विच इज आल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टैंड, टेम्परेट स्टैंड आल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टैंड। ऑन द ओल्ड स्टैंड कंटिन्यू न्यू स्टैंड फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ 5-2-3 नियर द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन और दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ। सो इट रीचेस नियर द फोर्थ और पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन। फोर्थ ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन। दिस इज द वन स्टैंड विच फॉर कंटिन्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यू स्टैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यू स्टैंड और लीडिंग स्टैंड। कंटिन्यू स्टैंड फॉर इन द डायरेक्शन ऑफ 3-5 टेम्पलेट स्टैंड एंड इन द एज 5-3 डायरेक्शन टेम्पलेट स्टैंड हियर स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्मेशन टेक प्लेस, दीज स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज ओकाजाकी सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ओकाजाकी सेगमेंट। ओकाजाकी सेगमेंट विच हैज द डायरेक्शन एज 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3 एज स्मॉल सेगमेंट फॉर्म, दीज आर एज स्मॉल सेगमेंट फॉर्म इन द 5-3 डायरेक्शन। सो स्मॉल सेगमेंट फॉर्म डीएनए सिंथेसाइज इन द 5-3 टेम्पलेट, दीज स्मॉल सेगमेंट्स डीएनए आर एज स्टार्टिंग सिंथेसिस बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज इन सिंथेसिस ऑफ स्मॉल सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 5-N टू द पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन एंड इट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोटाइड एज इन द 3-N डायरेक्शन, बट स्मॉल अब्रप्ट कंडीशन मीन्स ए गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू सेगमेंट्स, दिस गैप नेक्स्ट टाइम दिस गैप इज फिल्ड बाई द वन एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज विच फिल्ड द गैप विच हैज शोन सेपरेटली एज दिस इज द डीएनए लाइगेज विच ज्वाइन द टू ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, एज डीएनए लाइगेज विच ज्वाइन द टू ओकाजाकी सेगमेंट आर इट फिल्स द गैप प्रेजेंट बिटवीन द ओकाजाकी सेगमेंट्स, एज ओकाजाकी सेगमेंट्स कंटेनिंग स्टैंड दिस स्टैंड इज आल्सो कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड, हियर लैगिंग स्टैंड एंदर नेम इज डिसकंटीन्यूअस स्टैंड। लैगिंग स्टैंड एंदर नेम इज डिसकंटीन्यूअस स्टैंड। इन दिस वे द टू डीएनए सिंथेसाइज बाय द वन डीएनए, एज दिस इज द टोटल स्टेप्स ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ
DNA in eukaryotic cell or DNA replication in eukaryotic cell. Eukaryotic cell DNA replication has shown here. This is discussed by the scientist Michelson and Stahl 1958. This is shown by the Michelson and Stahl in 1958. As DNA replication in eukaryotic cell is deeper than the DNA replication in prokaryotic cell. Here, DNA replication in prokaryotic cell means Escherichia coli one example, which is good example of bacterium cell. This is good example of bacterium cell. As shown here, in the Escherichia coli DNA, which is circular DNA, is found where one replicon, replicon means origin of replication, is formed, which is represented by one here. And the direction of replication is as in the opposite direction here as shown. So the next time the replicon position here one, now the next two DNA synthesized by the help of as first point, now second and third. So numbers of DNA synthesized in the E. coli as by the binary fission process every 20 minutes, as I have discussed in previous lecture, that E. coli cell divide by the binary fission after every 20 minutes duration. So this DNA become double after every 20 minutes duration. But in the E. coli, circular DNA is present. In case of eukaryotic cell, like the human cell, DNA replication has shown here. In the eukaryotic cell, Michelson and Stahl in 1958 has discussed the DNA replication. As the phebia, as Lycia phaeba means the phebia bean, Taylor et al., Taylor and Cully also discussed DNA replication in the plant in 1958. Here, in the case of DNA replication in eukaryotic cell has shown here. First of all, double helical DNA helix has shown, which generally bind by the hydrogen bond. This hydrogen bond present between the adenine and thymine 2 hydrogen bond, cytosine and guanine 3 hydrogen bond. Again, thymine and adenine bind by the 2 hydrogen bond and guanine cytosine by 3 hydrogen bond. So this is the double helix DNA. Double helix DNA has one strand and 5 days, so opposite strand is 3 days. But one strand 5 days, here next end is 3 days. Likewise, in the 3 days end, next end is 5 days. So the replication first of all start by the application of enzyme helicase at the one point where the breaking of
हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोर्थ और पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन और ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पॉइंट। सो एनी के एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अटैच एंड मेक्स द फोर्क, बट ड्यू टू द फोर्क हाइब्रिडाइजेशन ए टाइप ऑफ फोर्स ए टाइप ऑफ स्ट्रेन अकर व्हिच कैन रिकॉइल अगेन। सो वन एंजाइम यूज्ड आफ्टर द हेवी गेज एंजाइम कॉल्ड ए टोपो आइसोमरेज। दिस टोपो आइसोमरेज एंजाइम प्रेजेंट एबव द हेवी गेज एंजाइम व्हिच जनरली मिनिमाइज द क्वाइलिंग ऑफ द हेलिक्स, बट ड्यू टू द क्वाइलिंग ऑफ द डबल हेलिकल स्टैंडर्ड डीएनए व्हिच बिकम अनक्वाइल्ड ड्यू टू द हेलिकेज एंजाइम सच हेलिक्स मे अगेन क्वाइल। दैट इज व्हाई प्रेजेंस ऑफ द एसएसबी प्रोटीन एट द नियर पॉइंट ऑफ हेलिकेज एंजाइम और नियर पॉइंट ऑफ द फोर। एसएसबी प्रोटीन मींस सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन व्हिच अटैच देन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज कॉल्ड ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड आल्सो कॉल्ड एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज द ओल्ड स्ट्रैंड आल्सो बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ डबल हेलिकल डीएनए व्हिच इन व्हिच द स्मॉल सेगमेंट फॉर्मेशन अकर इन द डायरेक्शन ऑफ 5-3- बाय हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज और इट इज आल्सो कॉल्ड ए प्राइमर। दिस प्राइमर सिंथेसाइज न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड स्मॉल सेगमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसाइज बाई द हेल्प ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज आर द प्राइमर। देन डी एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट आर कोर्नबर्ग एंजाइम यूज फॉर सिंथेसाइज द न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यू अप टू द 3 एंड नियर द फोर्क। दिस स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यू एज न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज लाइक द फोटोकॉपी। एज इन केस ऑफ फोटोकॉपी मशीन द सेम प्रिंट अराइजेस हियर आल्सो इफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड हैज एडिनिन देन न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हियर थायमिन। इन हियर प्रेजेंट साइटोसिन नेक्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसाइज हियर गुआनिन। एज थायमिन प्रेजेंट इन द टेम्पलेट नेक्स्ट स्ट्रैंड सिंथेसाइज एडिनिन। इन गुआनिन प्रेजेंट इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड नेक्स्ट सिंथेसाइज साइटोसिन इन द न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड। दिस न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड जनरली सिंथेसाइज कंटिन्यू वे सो कॉल्ड ए कंटिन्यू स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। बट एनदर साइड बट एनदर टेम्पलेट व्हिच इज जनरली प्रेजेंट इन द 5-3 डायरेक्शन हियर इट इज इन द 5-3 डायरेक्शन द न्यू डीएनए सेगमेंट सिंथेसाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 5-3 स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ आर पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स ओनली। दीज स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एज 5-3-5-3 कॉल्ड एज ओकाजाकी सेगमेंट। ओकाजाकी ए साइंटिस्ट who first told about such type of small segment, hence
on the honor of Okazaki, this is called Okazaki cement. This Okazaki cement has a gap between them. These gaps later on filled by the enzyme DNA ligase. As you know, DNA ligase enzyme applied to join the two DNA segments. So, Okazaki segments are joined by the DNA ligase enzyme. In this way, the next strand formed, which is called a lagging strand or discontinuous strand. Lagging strand also called a discontinuous strand because it is abrupt at few places which is filled by the DNA ligase later on. And small segment formed called as Okazaki segments in the discontinuous strand or lagging strand. In this way, synthesis of two strands occur by the help of one DNA strand. This is called as DNA replication. But this is generally called as semi-conservative DNA replication according to Michelson and Stahl. It is called as semi-conservative type DNA replication. Semi-conservative DNA replication term apply because the one strand is comes from the a part of old DNA. So the one strand is a part of old strand, old DNA strand. That is why only one strand synthesized, which is the photocopy of the old strand. So it is only half part synthesized, half part present for the same copy of double helical DNA. So newly synthesized strand is the half part of the template strand. That is why it is called a semi-conservative DNA replication according the Matthew Michelson and Martha Stahl in 1958, who studied first in the eukaryotic cell, which has the linear and double helical stranded DNA. Double helical stranded DNA replication also studied by the Watson and Crick. Watson and Crick also told that one double helical stranded DNA synthesized two DNA in the interphase in the S stage. S stage hence called a synthesis stage. In this case, DNA replication occurred, so one DNA become two DNA. Then after G2 stage of interphase, cell reaches in the cell division or mitotic phase or M phase. So before cell division, DNA replication occur. So it is called a doubling of the DNA. Doubling of the DNA occur before cell division. After cell division, the number of DNA or number of chromosome is found same. Due to the condition before cell division, DNA become double. By the DNA replication or DNA duplication process. Here, DNA replication completed by the help of this sketch. So, you aware that DNA replication in case of prokaryotic cell, which is different,
than the eukaryotic cell. And in case of prokaryotic cell, one replicon, replicon means point of replication, is found, as shown here. But the next time, as here one replicon synthesize the 2 DNA, then again 3 DNA. So here, first of all, 1 DNA synthesize 2 DNA, then 2 DNA synthesize 4 DNA, likewise doubling occur. As in case of DNA replication in eukaryotic cell, several enzymes are used, and these enzymes act as the machinery of DNA replication. As the main topic is machinery of DNA replication, and these machinery are the enzymes, and many enzymes involve step by step, one by one, in the DNA replication. These enzymes are given one by one. First of all, helicase enzyme attacks at the DNA double helical structure and breaks the hydrogen bonds. Another enzyme, that is topoisomerase, which has shown above the helicase enzyme, which is present above the helicase enzyme, which minimizes the torsion force between the two helix. Later on, the SSP protein, which full name is single stranded binding protein, which attaches near the fork or point of replication. Again, the RNA polymerase or primer, which start synthesis of small segment of nucleotide, which is about 100 to 200 nucleotide first. Later on, DNA polymerase first or Kornberg enzyme, which synthesize continued nucleotide in the 5-3 direction, which is photocopy of old strand. Like adenine present in the old strand, the new copy as the base is thymine. If cytosine present, next copy guanine. Thymine present, then adenine, and guanine present in the old strand, then cytosine is attached with the hydrogen bond in the leading strand or continuous strand. Another strand is called as discontinuous strand or lagging strand because it contains Okazaki segments. The gap present between the Okazaki segment filled by DNA ligase. So, two DNA strands synthesized, but it is called a semi-conservative DNA replication. It is called semi-conservative DNA replication by the Matthew Michelson and Martha Starr, 1958. Please like, share and subscribe my YouTube channel Super Classes. Thanks very much.